हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करना चाहेंगे डी टेक बिक्रम चैनल में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा यूट्यूब के 3 बिग न्यू अपडेट के बारे में, जो सुन के आप शायद खुश भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया अपडेट आया है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। तो मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो। पहला जो अपडेट आया है वो आया है यूट्यूब के मोनेटाइजेशन के लिए। वहाँ पे बोला जा रहा है, आपको लोगों को शायद पता होगा कि YouTube के मोनेटाइजेशन के लिए चाहिए 4000 आवर वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर। अगर आपका ये बैरियर कंप्लीट हो जाता है तो आप YouTube पे अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं, रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। तो उसके बाद जब हो जाता है, आपको पता होगा जैसे ही आपका मोनेटाइजेशन हो जाता है तो आपका एड्स भी आना स्टार्ट हो जाता है, आपका अर्निंग भी स्टार्ट हो जाता है। तो आपसे क्या होगा, जो अपडेट नया आया उसमें बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ 4000 घंटे वॉच टाइम अगर आपके चैनल में नहीं हुआ, फिर भी अगर आप अपने चैनल में शॉर्ट्स डालते हैं, उससे आपका 90 डेज के अंदर अंदर 10 मिलियन व्यूज़ आ जाता है, तो फिर भी आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। पहला जो अपडेट आया कुछ इस तरह से आया, मतलब अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो उससे अगर आपका 4000 आवर वॉच टाइम हो गया, फिर भी आप मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हो। अगर आप शॉर्ट्स डालते हो उसमें आपका ऑलमोस्ट 90 डेज के अंदर अंदर आपका चैनल में 10 मिलियन व्यूज़ आ जाता है, फिर भी आप उस चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हो। तो पहला जो अपडेट है कुछ इस तरह से आया। तो सेकंड जो अपडेट है, आपसे शॉर्ट्स जो बनाता है उसमें भी आपका अर्निंग होगा। मतलब अर्निंग कैसे होगा, तो शॉर्ट्स से कैसे अर्निंग होगा, मतलब आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, स्क्रॉल करके करके देख रहे हैं, 6 7 शॉर्ट्स आया मैं सपोज कर लेता हूँ, 6 6 6 शॉर्ट्स आया। तो 6 शॉर्ट्स के बाद जो एड्स आएगा उससे जो और पिछले वाला जो 6 शॉर्ट्स आपने देखा, तो वो अर्निंग वो 6 क्रिएटर में डिवाइड हो जाएगा। मतलब तो कितना डिवाइड होगा, वो डेली तो नहीं होगा, वो मंथली बेसिस में होगा। तो 45% क्रिएटर को दिया जाएगा, बचे हुए जो परसेंटेज है अर्निंग का वो यूट्यूब रख लेगा। उससे भी आप अपने शॉर्ट्स में अगर आप 10 कोई सॉन्ग्स यूज़ करते हो तो उसका 10% वो सॉन्ग्स क्रिएटर को दिया जाएगा जो सॉन्ग्स बनाता है, ओरिजिनल क्रिएटर को। तो एक बहुत ही बढ़िया अपडेट है। आप अपने अगर आप शॉर्ट्स भी बनाते हो उससे भी आपका अर्निंग होगा, अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो उससे भी आपका अर्निंग होगा। तो दो तरफ से आपका अर्निंग हो स्टार्ट हो जाएगा अगर आप दोनों ही बनाते हो तो। थर्ड जो अपडेट आया उसमें बोला जा रहा है कि अगर आप अपने चैनल में कोई लॉन्ग सॉन्ग्स ऐड करते हो, बैकग्राउंड में चलाते हो, कुछ भी करते हो, ब्लॉगिंग में बहुत सारा जो चैनल है वो आपसे सॉन्ग्स ऐड करते हैं, तो उसमें क्या बोला जा रहा है न्यू अपडेट में कि आप अपने चैनल में सॉन्ग्स को वन टाइम परचेस कर सकते हो। अगर आप वन टाइम परचेस कर लेते हो उससे आपका कॉपीराइट भी नहीं आएगा। तो कॉपीराइट आने से क्या होता है कि आपका जो सॉन्ग्स है उसमें उसका ओनर आप नहीं हो, दूसरा कोई ओनर है, उसमें कॉपीराइट आ जाते हैं। और कॉपीराइट आने से बाद आपको क्या होता है कि वो सारा जो रेवेन्यू उस क्रिएटर को चला जाता है जिसने कॉपीराइट जिससे कॉपीराइट आया है। तो आपसे क्या होगा, अगर आप वन टाइम उस गान को परचेस कर लेते हो तो आपसे वो कॉपीराइट नहीं आएगा, लाइफ टाइम कॉपीराइट नहीं आएगा उस गाने में। उससे बारे में उससे भी एक और अपडेट आया कि अगर आप अपने सॉन्ग्स को वन टाइम परचेस नहीं करते हो, सपोज आप धर लेते हैं कि आप सॉन्ग्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, दो एक बार यूज़ करते हो, तो उससे आप और एक काम भी कर सकते हो कि आप थोड़ा रेवेन्यू उस क्रिएटर को शेयर कर सकते हो जिसने आपका जिसका सॉन्ग है उससे आप अपने थोड़ा जो रेवेन्यू है आपके वीडियो ब्लॉग कोई कोई भी होगा उससे आप अपने उसको शेयर भी कर सकते हो उसके साथ। तो कितना शेयर, ये तो आप नहीं आया ये अपडेट, वो भी आ जाएगा कुछ ही देर में। तो ये सारा अपडेट लागू हो जाएगा 2023 में 1 जनवरी, कुछ भी हो सकता है नया अपडेट। और भी एक नया अपडेट आया, न्यू बैरियर यूट्यूब लॉन्च करेगा। वहाँ पे आप स्टिकर कोई भी से आप थोड़ा छोटा बैरियर होगा शायद, इतना वॉच टाइम भी और सब्सक्राइब भी नहीं लगेगा। उसमें बोला जा रहा है कि आपका जो न्यू बैरियर लॉन्च करेगा यूट्यूब, तो उसमें क्या होगा कि
आप स्टिकर से कोई भी इंस्टाग्राम और फेसबुक में आप शायद नया स्टार्ट आया है कि स्टार भेज सकते हो, उसमें आपका अर्निंग होगा, उसमें भी आप नया बैरियर आएगा, उसमें भी आप नया अर्न कर सकते हो। तो 3 न्यू बिग अपडेट आया यूट्यूब के बारे में, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मेरा पहला फेस कैम वीडियो है, अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, और भी नया नया वीडियो अपडेट आएगा इसके बारे में, आपको ये शॉर्ट्स से कैसे अर्निंग होगा इसके बारे में भी नया वीडियो वीडियो आएगा। तो ख़त्म करते हैं यहाँ पे वीडियो।